हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ फ्यूचर ट्रैक एकेडमी। स्टूडेंट्स, 10th क्लास मैथ्स, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है पॉलीनोमियल्स। आपके एनसीईआरटी मैथ्स में अगर आप चेक करेंगे तो सेकंड चैप्टर होगा जिसका नाम है पॉलीनोमियल्स। पॉलीनोमियल्स एक छोटा टॉपिक है, आपके मैथ में जो आएगा वो बहुत ही थोड़ा दे रखा है, लेकिन बहुत छोटा है, लेकिन उससे जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में। सीबीएसई या आपके पास बीएसईएच जो भी बोर्ड है, दोनों में इस चैप्टर से 4 या 5 मार्क्स में क्वेश्चन जरूर आता है। तो इस चैप्टर को जब हम करें तो अच्छे से रीड आउट करेंगे। इससे चैप्टर से पहले जो चैप्टर हमने एपी का किया था, उसकी प्रीवियस वीडियो हमारे आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो आइए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं पॉलीनोमियल्स। पॉलीनोमियल्स के बारे में पहले जानते हैं, पॉलीनोमियल्स क्या है। पॉलीनोमियल्स के बारे में आपने 9th क्लास में एक चैप्टर किया, वो सेकंड चैप्टर ही है जहां पे आपको पॉलीनोमियल्स के बारे में बताया जाता है कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये वैसे ऐसे पॉलीनोमियल्स जो एक ऐसी रिप्रेजेंटेड इक्वेशंस जिसमें कुछ वेरिएबल्स के साथ कुछ कांस्टेंट टर्म हो, उनको हम वेरिएबल्स के पॉलीनोमियल्स के नाम से जानते हैं। सपोज हमारे पास एक वेरिएबल, हम वेरिएबल लेते हैं एक्स और कांस्टेंट, तो जो भी हमारा ए बी सी। अच्छा, वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में सुनो पहले, आपको एक बार वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में दोनों के बारे में बता दिया जाता है। वेरिएबल्स, अगर वेरिएबल्स बेटा ध्यान से देखना, मैं अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वेरिएबल्स को अगर वही बात, वेरिएबल्स को देखो अलग अलग किया जाए, वेरिएबल्स को अगर अलग अलग किया जाए तो बन जाए वेरी प्लस वैल्यू। सपोज ये वेरिएबल्स को जब अलग किया गया तो उसका वेरी प्लस वैल्यू, जिसकी वैल्यू वेरी करती हो या जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो, मतलब की अलग अलग वैल्यू हो, तो उसको हम वेरिएबल्स के नाम से जानते हैं। सपोज जैसे कि मैं लिख देता हूं लेट एक्स, एक्स ए नंबर, तो मैंने मान लिया कोई भी नंबर है एक्स। अगर मैं 4-5 बच्चे मेरे पास कोई बैठे, मैं सबसे पूछता हूं बेटा एक्स की वैल्यू क्या है। एक बच्चा बोलता है सर 2, कोई बोलता सर 4, कोई बोलता 3.5 किलो सर, एक और बोल देता बीच में नहीं सर 99.987। तो कुछ भी हो सकती है एक्स की वैल्यू, कोई बड़ी बात नहीं। तो इस चीज को वेरिएबल्स में काउंट करते हैं जिसकी कोई फिक्स वैल्यू ना, उसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। अब आती है कांस्टेंट के बाद, कांस्टेंट एक ऐसी टर्म है वेरिएबल से अपोजिट, दैट बात वेरिएबल से अपोजिट है कांस्टेंट, जो हर परिस्थिति में एक जैसा हो उसको कांस्टेंट बोला जाता है। सपोज मैं यहां लिख देता हूं ये 3, इसकी वैल्यू किसी से भी पूछो, चाहे 8, 4, 5, 7 जितने भी बच्चे यहां पे, उससे मैं पूछता हूं बेटा ये क्या, सारे बच्चे एक बोलेंगे सर 3 3 3, कोई ये नहीं बोलेगा सर 3.1 है, नहीं सर 3.2223 कुछ भी है नहीं, सिर्फ एक ही बात बोलेंगे इसकी वैल्यू कितनी है 3। तो इस टर्म को हम कांस्टेंट टर्म के नाम से जानते हैं। तो पॉलीनोमियल एक ऐसी कंडीशन जिसमें इन दोनों को मिलाकर एक इक्वेशन बनाई जाए, उसको पॉलीनोमियल्स के नाम से जानते हैं। अब पॉलीनोमियल्स में अलग अलग टर्म्स आते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम थोड़ा और आगे की स्टडी आउट करें बेटा कि कोई भी इक्वेशन, मान लो अब हम पॉलीनोमियल्स लेते हैं कोई भी ax2 + bx + c, हमारे पास a की वेरिएबल है, ठीक है, एक वेरिएबल हाईएस्ट कॉमन 2, हाईएस्ट क्या लिखा हुआ है 2, तो क्वाड्रेटिक में आ जाती है क्वाड्रेटिक बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अब इसके लिए इसकी जीरोस फाइंड आउट करना है, अलग अलग तरीके से इसे फैक्टर करके निकालना, तो आप देखो जीरोस के बारे में सुनो पहली बार, जीरो से आपके मान लो मेरे पास है 2 + x = 0, मैं यहां से जीरो निकालना चाहता हूं, यहां से x की वैल्यू आ गई -2, x की वैल्यू आ गई -2 से मतलब समझते हैं आप, x की वैल्यू -2 आ गई, क्या आ गया -2 एक ऐसी टर्म है बेटा, मतलब कि इस कंडीशन के लिए यूनिवर्सल,
बोल सकते हैं कि ये माइनस टू रखते हैं इस इक्वेशन का आंसर जीरो आ जाएगा, और चाहे आप कुछ भी रख के देखिए ना आंसर जीरो नहीं आएगा। तो माइनस टू इस इक्वेशन की जीरो, माइनस टू इस इक्वेशन की क्या हो गई जीरो, इसको हम जीरो ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं। अगर हमारे पास अब ध्यान से देखो बेटा, यहां पे मैंने एक्स लिख दिया और फिर मैं एक्स स्क्वायर लिखता हूँ, एक्स थ्री लिखता हूँ, एक्स की पावर फोर लिखता हूँ। इनको आपको नाइन्थ क्लास में भी आपके टीचर्स ने बताया होगा कि इनको डिग्री ऑफ इक्वेशंस के नाम से जाना जाता है, या आप बोलते थे एट क्लास में आपने सुना था पावर, क्या सुना था पावर, और नाइन्थ क्लास में आपने सुना होगा डिग्री, क्या सुना होगा डिग्री, जितनी भी पावर है इनकी, इनको डिग्री ऑफ इक्वेशंस के नाम से जाना जाता है। एक छोटा सा रिलेशन और बता देता हूँ, डिग्री से मतलब क्या हुआ, डिग्री से मतलब हुआ कि उनकी क्लास, जैसे अब आप खुद को एक पॉलिनोमियल में लगाते हो, मान लो आप एक स्कूल में जाते हो, ठीक है आपका स्कूल है, आपकी क्लास है 1 2 3 4 जो भी कर लिया, जैसे नाइन्थ क्लास में हो, टेंथ क्लास में हो, नाइन्थ हो गई, फिर एट्थ सेवन सिक्स फिफ्थ फोर थ्री सेकेंड और वन, ठीक है, और आप तो हो गए वेरिएबल, और आपके टीचर उनको कॉन्स्टेंट बोलते हैं। कॉन्स्टेंट कैसे, मान लो आपका मैथ का टीचर है, मैथ का टीचर है वो आपकी हर क्लास में मैथ पढ़ाएगा, चाहे आपको आप फर्स्ट क्लास में पढ़ा रहा हो या नाइन्थ क्लास में पढ़ा रहा हो या टेंथ क्लास में पढ़ा रहा हो। लेकिन अगर आप अपने आप को लेते हैं, आप हर ग्रेड में एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, आप हर ग्रेड में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आप अपने आप को वेरिएबल सपोज करो और आपके टीचर्स को कॉन्स्टेंट में सपोज करो, ठीक है, और आपकी जो क्लास है, आपकी जो क्लास है वो आपकी हो जाएगी डिग्री, यानी कि आपकी पावर कितनी, जैसे कि आप नॉर्मल जब आगे जाओगे तो कह देते हैं ग्रेजुएशन कर लिया, डिग्री कर ली, उसको क्या बोलते हैं डिग्री कर ली, यानी कि 15th क्लास, 12th के बाद फर्स्ट ईयर, 13th 14th और 15th, तो उसको क्या बोलते हैं डिग्री, यानी कि उसकी पावर 15 हो गई। तो उसी प्रकार से आपकी पावर आपसे पूछी जाए तो आपकी डिग्री जो आपकी क्लास है वो आपकी पावर हो जाएगी 10। तो इसी प्रकार से यहां पे भी जो इक्वेशन है हमारी, अगर मेरे पास इक्वेशन है x plus 1 = 0, तो इसकी पावर कुछ नहीं है, तो यहां पे 1 ऑलरेडी है, ये बात समझ लेना। जैसे अगर किसी कांस्टेंट के सामने कोई टर्म नहीं होते तो प्लस ऑटोमेटिक हम सपोज करते हैं, उसी प्रकार से अगर किसी की पावर कुछ नहीं होती है तो वो 1 होती है, ठीक है, किसी की पावर कुछ नहीं है तो 1, ये बात याद रखना, और किसी की पावर 0 हो तो वो 1 की ये बात। अब अगर पावर 1 है, ये बात ध्यान देना, अगर पावर 1 है तो उस इक्वेशन की सिर्फ एक ही जीरो आएगी, अगर पावर दो हो जाए, सपोज मैं एक इक्वेशन लिखता हूं यहां पे x² - 2x - 8 = 0, कोई भी ऐसे ध्यान आ गए तो ये x² - 2x - 8 = 0। अब इस इक्वेशन की मेरे को जीरो निकालनी है, यानी कि ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इस इक्वेशन के लिए ऐसी टर्म निकालो कि इसमें रखते ही इसका आंसर कितना आ जाए जीरो, कितना आ जाए जीरो। तो अब हम जीरो फाइंड आउट करेंगे, जीरो फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास ये देखो जो आपने छोटी क्लास में भी किया है यहां भी करेंगे कि जीरो या तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का ही, अगर आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं करने आते तो हम अलग से एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना सिखाया जाएगा, ठीक है। पहले तो इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म से काउंट करो, ये होती है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, इसमें x वेरिएबल a b और c कांस्टेंट। एक बात और ध्यान दें यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, आप पूछते हो कि सर c के साथ x नहीं है, c के साथ क्या नहीं है x, ध्यान दो c के साथ x है, c के साथ x है, लेकिन वो वहां पे पावर उसकी जीरो हो जाती है, पावर क्या हो जाती है जीरो, ध्यान दे पावर हमेशा पॉलीनोमियल की रिड्यूसिंग में चलती है, रिड्यूसिंग टर्म में समझते हो पहले हाईएस्ट फिर उससे कम और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जिसको बोलते हैं,
यहाँ पे पावर दो थी, यहाँ पे वन और यहाँ पे जीरो। जब इसको सोल्व किया गया x square as it is, मैंने बताया था किसी की पावर बहुत होती है उसको लिखो, या लिखो डायरेक्ट लिख सकते हो b की पावर x, किसी की पावर जीरो, यहाँ पे अभी लिखा था कि किसी की भी पावर जीरो आंसर वन, तो वन वन इंटू सी। तो इसलिए इसको जनरल इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। याद रखना बेटा, कितनी भी बड़ी पॉलीनोमियल हो हमेशा रिड्यूसिंग में चलेगी। आपके सामने मैं लिख के दिखा देता हूं, ax की 4 bx की 3 cx स्क्वायर dx की dx और फिर dx की 1 और फिर लिख लो ax की 0, वही रिड्यूसिंग 4 3 2 1 और 0। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो वो आपके रिड्यूसिंग थे। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो हम आपसे के लिए अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको फैक्टर करना सिखाते हैं। तो 8 square माइनस 4 और प्लस 2, माइनस 4 और प्लस 2 इसके फैक्टर बन जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। थोड़ा थोड़ा सा बता रहा हूँ, याद रखिए इन फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन कितनी आनी चाहिए इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन के बराबर, और एडिशन कितना आना चाहिए, बस यही एक फैक्टर का रूल है और तो आसान सा इतना कोई ज्यादा। वैसे फिर भी हम आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। तो अब यहाँ से x कॉमन निकाल लेते हैं, x माइनस 4 2 यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म आ गई है, इन दोनों में x माइनस 4 कॉमन, x माइनस 4 अंदर क्या बच गया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग 0 लेने पर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू 4, x की वैल्यू माइनस 2। देखो हाईएस्ट पावर 2 थी तो 0 कितनी आ गई, 2। यानी कि इस इक्वेशन के लिए, हमारी इक्वेशन थी ये वाली, इस इक्वेशन के लिए 0 की 2 वैल्यू आ गई, यानी कि सिर्फ ये 2 ही ऐसे कांस्टेंट नंबर x की वैल्यू है जिनको आप इस इक्वेशन में पुट करोगे और आंसर आपका 0 हो जाएगा। तो इसको जीरो ऑफ इक्वेशंस के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, zeros of equation, zero of equation, और इन equations के नाम दिए जाते हैं बेटा, यहाँ पे लिखा हूँ अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। नेक्स्ट वीडियो में हम अल्फा और बीटा का रिलेशन पढ़ेंगे और आपको जीरो इनका सम ऑफ जीरो और मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरो से वापिस इक्वेशन को पढ़ाया बताया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।